प्लीज आंटी, जो कुछ भी हुआ उसमें तुषार अंकल या पूर्वी की कोई गलती नहीं है। आप मुझसे गुस्सा है ना, तो मुझे सजा दीजिए। आई प्रॉमिस, आप मुझे जो भी सजा देंगी मुझे मंजूर है। बस इस तरह उन लोगों को दहाड़ने वालों को ऐसे गिड़गिड़ाना शोभा नहीं देता। जाने देना, भूल जा, जो हुआ उसे भूल जा। रात गई, बारात गई, छोड़ दे, बैठ नाश्ता कर। प्लीज आंटी जी, ऐसा मत कहिए। मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मुझे बस दहेज से प्रॉब्लम है। हम सारी सहेलियों ने साथ में फैसला लिया था कि ना हम कभी दहेज लेंगे ना देंगे, इसलिए मेरा बस अब शुरू मत करना। हाँ, बहुत सुन चुकी मैं उस दिन तुम्हारे मुंह से दहेज का प्रवचन। तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम जिसे दहेज कहती हो उसे बिरादरी में व्यवहार कहते हैं, या फिर शगुन या फिर नेक। और ये आज का नहीं, ये तो बरसों से चली आ रही प्रथा है। पहले जमाने में माए अपनी बेटी को पल्लू में बांध के कुछ देती थी, आजकल समाज के सामने देते हैं। वैसे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जब मैं शादी करके आई थी तो मेरे बापूजी ने मुझे एक जमीन का टुकड़ा देके भेजा था। हमारे बुरे वक्त में वही जमीन का टुकड़ा मेरे पूरे परिवार के काम आया। तुम उसे दहेज कहोगी, मैं उसे मेरे बापूजी का आशीर्वाद कहूंगी, जो मेरे सारे घर को काम आया। लेकिन अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अभी तो मैंने सिर्फ व्यवहार का मतलब समझाया तुझे, ये क्यों जरूरी होता है ये भी तो सुन ले। इसे निभाने की तीन वजहें हैं। पहली वजह, एक पिता अपनी बेटी को जो कुछ भी देता है ना, वो उसी के भविष्य के लिए देता है, ताकि उसे कभी कोई कमी महसूस ना हो। व्यवहार की दूसरी वजह है कि बाप और बेटी दोनों का सम्मान, इज्जत बढ़ जाती है समाज में। और तीसरी वजह है, दोनों परिवार मिलके एक हो जाते हैं और फिर सुख दुख में एक दूसरे के हमेशा काम आते हैं। आंटी आप मुझसे बड़ी हैं, लेकिन आपकी इन बातों से मैं आज भी सहमत नहीं हूं। मेरा ये मानना है कि एक मिनट, इस घर के बाहर नाम किसका लिखा है, तुम्हारा या मेरा? मेरा ना, तो यहां वही माना जाएगा जो मैं मानती हूं, वो नहीं जो तुम मानती हो। अब बोलो। ठीक है आंटी, अब इस विषय में मैं आपसे कोई बहस नहीं करूंगी, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। भले ही आपके और मेरे विचारों में फर्क है, लेकिन इतने सालों से जो आपने तुषार अंकल पर भरोसा किया है, उसमें मेरी वजह से कोई फर्क नहीं आना चाहिए। प्लीज आंटी उन्हें माफ कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं नहीं, मेरे आगे हाथ मत जोड़। मेरे आगे अगर कोई हाथ जोड़ता है ना, तो मैं पिघल जाती हूँ। अब तो तेरी बात माननी पड़ेगी। थैंक यू आंटी, आपने अरे तू पूरी बात तो कभी सुनती ही नहीं है। मैं उनको माफ कर दूंगी, उनकी नौकरी, उनका घर सब वापस मिल जाएगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है।
कैसी शर्त? शर्त ये कि जो माफी तूने अभी मुझसे हाथ जोड़कर मांगी है ना, वो तूने कलम चलाकर मांगनी होगी। जो माफी अभी तूने अकेले में मांगी है मुझसे, वो सारे समाज के सामने मांगनी होगी। समाज के सामने तूने मेरी इज्जत उछाली थी, तो कल के अखबार में तुझे एक इश्तहार देना होगा कि पूर्वी की शादी तेरी वजह से टूटी है और उसकी वजह से तू मुझसे माफी मांग रही है। बस ऐसा अखबार में अगर मैंने देखा तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी और पूर्वी की शादी भी उसी लड़के के साथ होगी और दोनों संबंधियों में व्यवहार भी होगा। मैं कल सुबह के अखबार का इंतजार करूंगी। तुम सोच लो तुमने क्या करना है। हाँ, मैथिली बहू, अभी कहीं दिख रहा? उमा बहन मिली ना? क्या हुआ चंचल, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? मुझे तुझसे बात करनी है, तू चल मेरे साथ। ठीक है, वो क्या रहा है? क्या पता बा, जरूर कोई प्लान बन रहा है। ए, तो तुम क्यों सुन रही है? मैं वो मन... जय श्री कृष्ण आंटी। जय श्री कृष्ण दादी। मैं अभी आई। अरे साहेब, पता नहीं उमा बहन ने छनछन से क्या कह दिया है। जब से वहां से आई है अजीब सा बिहेव कर रही है। ऐसा लगता है जैसे वो हमारी छनछन है ही नहीं। छनछन है कहाँ? अपने कमरे में। सिंपल भी आई हुई है। पता नहीं क्या बातें चल रही है उन लोगों के बीच। जय श्री कृष्ण अंकल। जय श्री कृष्ण। मिसेज, आप बात कीजिए छनछन से।
छन, क्या हुआ है बेटा? जब से उमा बहन के घर से आई है बहुत परेशान लग रही है, सब ठीक तो है ना? मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है मामा, लेकिन अब अपनी दोस्त के लिए मैं इस गलती को सुधारूंगी। जो गलती मुझसे पूरी बिरादरी के सामने हुई थी, अब उसी गलती को पूरी दुनिया के सामने सुधारूंगी। बोलना क्या था, शर्म से नजरें झुकी हुई थी और मुंह पे ताला लगा हुआ था। मैंने तो साफ साफ कह दिया कि अगर तुम्हें माफी चाहिए तो मुझे कल के अखबार में तुम्हारा माफीनामा चाहिए। इसे कहते हैं शेर को सवा शेर। मैं भी इनसे यही कह रही थी कि उमा बिन का कोई अपमान करे और उमा बिन सहन करे, ऐसा हो नहीं सकता। मेरा तो एक ही उसूल है, माफी हो या सजा, सूद के साथ वापस करना चाहिए। इसीलिए माफी के साथ साथ मैंने पुरानी शर्त भी रखी कि पिछली बार जो व्यवहार तय हुआ था वो फिर से होगा। पर क्या वो ऐसा करेंगे? अभी बाबा बने आए तो हिंदी बोले अगर छूट गया है, करना पड़ेगा। सर पे छत वापस चाहिए तो सर से अकड़ उतारनी पड़ेगी। आप देखते रहिए, पैसा भी वापस आएगा, बहू भी आएगी और हमारी खोई हुई इज्जत भी आएगी वापस। बेटा तू छोड़ दे, मैं तुझे नया टॉय लेके दूंगी। हाँ सच्ची बा? थैंक यू बा। तुम अभी क्या हम शादी की तैयारी फिर से शुरू करें? बस कल का अखबार आ जाने दीजिए, फिर कल की ताजा खबर के साथ साथ पूरे समाज में शादी की शुभ खबर भी देंगे। भगवान सबका भला करे पर शुरुआत मारा करे। अरे यार मानव, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार। वो बेचारी छनछन हमारे लिए कितने प्यार से केक बनाकर लाई थी और हमने हमने उस पर कुत्ता छोड़ दिया। अबे ओए, इट्स ओके, रिलैक्स। मैं मानता हूँ हम लोगों से गलती हुई है, लेकिन कुत्ते ने उसे काटा तो नहीं ना? अरे वो तो ठीक है, लेकिन छनछन के में सोरी वाले केक का क्या, जिसे हमने अब तक छुआ भी नहीं, मेरे घर के फ्रिज में पड़ा हुआ है। ये तेरी सुई छनछन पे अटक गई है, अगर तुझे ज्यादा बुरा लग रहा ना तो पूरा केक तू खा ले। अरे यार तू समझ नहीं रहा है, केक की बात नहीं है, वो बेचारी छनछन मेरे घर से गुस्से में गई थी। अब वो सोच रही होगी कि हम लोग केक खाने के बाद उसे सॉरी और थैंक यू का कॉल करेंगे। बेचारी। हेलो, वो और बेचारी, एक बात बता, तू दोस्त मेरा या उसका? दोस्तों में तेरा ही हूं, लेकिन उसकी दोस्त का दोस्त बनना चाहता हूं। अच्छा, तो ये सारा चक्कर उस सिंपल का है? ओफो, ये सिंपल का चक्कर नहीं है, एक सिंपल से लॉजिक की बात है। देख, वो छनछन हमें गांधीगिरी दिखा कर गई, तो हम भी उसको थोड़ी सी दरिया दिली दिखा सकते हैं ना। अगर वो चाहती ना तो उस चंगेज खान को हम पर छोड़कर ऐसी ऐसी जगह कटवाती, ऐसी ऐसी जगह कटवाती कि डॉक्टर भी इलाज करने में शर्मा जाता। हा? पर उसने ऐसा नहीं किया, उसने हमें माफ कर दिया और वहां से चली गई। देख कितना बड़ा दिल है उसका। अब हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए ना। अभी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं होता इडियट, सॉरी का जवाब वेरी सॉरी से। हाँ राइट। तो एक काम कर, वो केक यहाँ ले आ, हम वो केक खाएंगे, फिर तेरी सिंपल की फ्रेंड को फोन करके थैंक यू बोल देंगे। बस थैंक यू। ठीक है, अगर मुझे केक अच्छा लगा तो सॉरी बोल दूंगा। यस यस। अरे जीगू। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण। आज का अखबार है ना तो पहले मेरे पास लाना। बा अखबार तो कब का आ चुका है,
अरे तो फिर ला जल्दी दे मुझे। हाँ बा। मुझे उस छन-छन का जवाब पढ़ना है। इश्तियार अच्छा है फोटो के साथ। कृपया पूरा पढ़े। ये इश्तहार एक माफीनामा है। हमें दुख है उन लोगों के लिए जो आज भी ये समझते हैं कि दहेज कलंक नहीं है बल्कि ये तो प्रथा है। ये दुख की बात है कि हमारे समाज में आज भी दहेज का चलन है और लोग इस कुप्रथा को व्यवहार का नाम देते हैं। सच्ची बात मारा दिकरा, साफ सच्ची बात। एक लड़की अपना घर, अपना परिवार, अपने दोस्त सबको छोड़कर किसी और का घर बसाती है। अपनी पूरी जिंदगी उसके पति और उसके परिवार की सेवा में गुजारती है। क्या ये व्यवहार काफी नहीं है? बिल्कुल ठीक कहा बेटा। शादी के बाद एक लड़की की पूरी जिंदगी बदल जाती है। इतिहास उठाकर देख लो, ये त्याग सिर्फ और सिर्फ एक लड़की ही कर सकती है। दहेज मांगने वाले कहते हैं कि दहेज देने से माँ बाप का समाज में मान बढ़ता है, लेकिन ऐसा मान किस काम का जिसकी कीमत किसी को अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से चुकानी पड़े। I'm proud of you, बेटा। हर घर में बेटा होना हो पर तेरे जैसी एक बेटी जरूर होनी चाहिए। थैंक यू पापा। बेटे को कार चाहिए, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, तो इन सब के लिए बेटी की मायके से ही पैसा क्यों मंगवाया जाता? जब शादी का हार दोनों ने पहनाया तो व्यवहार एक तरफा क्यों? और कहने वाले कहते कि माँ बाप अपनी खुशी से अपनी बेटी को कुछ पैसा कुछ जमीन देते ताकि बुरे वक्त में वो उसके काम आए, लेकिन असलियत में कितनी लड़कियां ऐसी होती जिन्हें अपने मायके से लाया हुआ पैसा खुद अपने लिए इस्तेमाल करने का मौका मिलता है? और किस काम का वो अच्छा वक्त जो आपके माँ बाप के लिए ही बुरा वक्त बन जाए? फर्ज के नाम पर बेचारे सारी जिंदगी कर्ज उतारते रहे। इसलिए हम चाहते कि लड़कियां आत्मनिर्भर बने और एक बेटे की तरह अपने घर को सहारा दे, चाहे वो मायका हो या ससुराल। आइए और इसका पहला कदम उठाइए। फर्स्ट स्टेप कंप्यूटर क्लासेस बाय पूर्वी मेहता। वाह क्या नाम रखा है, फर्स्ट स्टेप क्लासेस। मतलब आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम। और ये सब छन-छन का ही प्लान। जिस तरह उमा बहन ने छन-छन से बात की मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर छन-छन ने कहा गुस्से से नहीं सूझबूझ से काम करना चाहिए। और तब मुझे एहसास हुआ कि हम जितना झुकेंगे दुनिया हमें उतना ही झुकाएगी। पापा के लिए उमा बहन से माफी मांगने से अच्छा है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। तो छन-छन के आइडिया से मैं ये कंप्यूटर क्लासेस खोल रही हूँ। और ये इश्तहार उमा बहन को नीचा दिखाने के लिए नहीं, मैं बस उन्हें अपनी बात समझाना चाहती थी। जब मैं वहाँ गई थी तो मैंने उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया, इसलिए मुझे ये न्यूज़पेपर में छपवाना पड़ा। और इसमें पूर्वी ने मेरी मदद की, इसी ने मुझे हिम्मत दी कि वो रूखी सूखी खा लेगी लेकिन उमा बहन के सामने फिर से सर नहीं झुकाएगी। मामा, पापा, दादी, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? अरे ना ना मारा दिकरा, गलत तो वो होता है जिससे नजरें झुकानी पड़े, और जिस काम से दूसरों की आंखें खुले वो काम कभी गलत नहीं हो सकता। बेटा बचपन में जहां भी तू जाती थी ना, तेरे पायल की मीठी आवाज तुझसे पहले पहुंच जाती थी, इसीलिए तेरा नाम हमने छन-छन रखा। और आज तेरे इस बात से हमारा सीना और चौड़ा हो गया कि आज भी जहां तू जाती है तेरी अच्छी सोच तुझसे पहले पहुंच जाती है। आविजा मारा दीकरो। तेरी सोच का बड़ा गुमान है ना तुझे छन-छन। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। सही वक्त आने पर अगर इसी इश्तिहार को
तेरी जन्म कुंडली नहीं बनाई ना मैंने, तो मेरा भी नाम उमा बेन बोरी सागर नहीं है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.